Assalamu alaikum viewers, welcome to Brass Techs. I'm your host Mariam Chaudhry, and my side as usual, my defense and security analyst Zaid Hamid sir. This is the 8th episode in the series of economic terrorism. Aaj ka topic hai hamara the Muslim response to the Zionist system. Basically, pichle episodes mein Zaid sahab ne explain kiya tha ki kaise economic exploitation carry out ki jati rahi hai, aur humne kafi sare emails rehti hai ki humne problems ko issues ko highlight kiya lekin uske solutions pesh nahi kiye. Aaj Zaid sahab hame solutions ki taraf leke jayenge. Please start, Zaid sahab. देखिए मरियम, जैसे आपने कहा कि पिछले 7 प्रोग्रामों में हमने इस कुफर के निजाम का नापाक चेहरा आपको दिखाया था. हमने हर उस पहलू से बात की थी कि जिस पहलू के साथ पिछले 200-300 साल के अंदर इस ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ने लोगों की दौलत पर कब्जा किया, दुनिया में कत्ल वारत बरपा की, लोगों में बीमारियां, फसाद, जंगें, कत्ल वारत और हलाकतें बर्पा की, पूरी दुनिया में फसाद बर्पा किया, लोगों की फूड सप्लाई कंट्रोल की, माशरों को तबाह किया, इंसानियत को तबाह किया, नस्लें तबाह की. ये एक गैर मामूली पीरियड था इंसानी तारीख में. अगर आप तारीख का मुताला करें तो पिछले 200 साल में जो कुछ हो चुका है वो इससे पहले इंसानियत की तारीख में कभी नहीं हुआ. ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हैं. ये वो वाकयात हैं खसूसन जो पिछले तकरीबन अब 100 साल के पीरियड में अगर हम बात करें कि जिनको हम दज्जाल का निजाम कहते हैं. ये वो पीरियड है कि जिसको जिसके बारे में तमाम अंबिया ने अपनी कौमों अपनी उम्मतों को डराया था. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इस वक्त से आगाह किया था, हमें मुतनब्बा किया था, हमको वार्न किया था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जिसमें ये सब कुछ होगा जो हम आज देख रहे हैं. ये तमाम बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में हमें वार्निंग दी गई है सारे वक्त की. ये इतना गैर मामूली वक्त है कि इस पर वो क्लासिकल फतवे नहीं लगाए जा सकते जो 1400 साल में मुसलमान उम्मत ने अपने मुख्तलिफ मसाइल के हल में इस्तेमाल किए हैं या अप्लाई किए हैं. ये अनप्रेसिडेंटेड दौर है. हमारे बुजुर्गों का तरीका यह हुआ करता था कि जब उनके पास आप कोई मसला लेके जाया करते थे तो वो पहले पूछा ये करते थे कि क्या ये मसाइल आज इंसान को पेश आए हैं. अगर कहा जाए कि नहीं ये मसाइल हाइपोथेटिकल हैं और हमें पेश नहीं आए तो वो कहते थे कि इन मसाइल का जवाब फिर वो उलमा देंगे जिनके दौर में ये मसाइल पैदा होंगे, और वो अपने आप को महदूद रखते थे उन मसाइल पर जो उनके वक्त में पैदा होते. क्या इश्तेहाद की गुंजाइश हो, जो इश्तेहाद की गुंजाइश जो दीन में है वो इसीलिए कि अपने वक्त में जैसे जैसे हालात बदलते जाए मुसलमान अपने लिए रास्ता निकालते रहे कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाकर और शरीयत की बुनियाद पर. देखिए ये एक जैसे हमने अर्ज किया ऐसा अनप्रेसिडेंटेड एरा है कि तारीख इंसानियत में इसकी मिसाल नहीं मिलती, तारीख इस्लाम में इसकी मिसाल नहीं मिलती. तारीख इस्लाम में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया एक फेक पेपर करेंसी के निजाम पर और एक फेक डिजिटल करेंसी के निजाम पर कायम हो गई. कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाथ से असल दौलत छीन ली गई हो और उसको रद्दी कागज पकड़ा दिए गए हों जो कि ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक और बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा हो. तारीख इंसानियत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, उम्मत मुस्लिमा की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उम्मत मुस्लिमा की तमाम दौलत यहूदियों और ज़ायनिस्ट के हाथों में. यानी ये तसव्वुर से बाहर रही बात, ऐसी बात करना कि जैसे खिलाफत उस्मानिया अगर इस्लामी खिलाफत हो और उसके सारे खजाने यूरोप की ईसाई कुवतों के हाथ में रखे हुए हों, ये तसव्वुर से बाहर है बात. ये तसव्वुर से बाहर है बात ये कि मुगल हुकूमत कायम हो और सारे खजाने जो है उन्होंने निकाल के दुनिया के किसी और ताकत के हवाले कर दिए हों अपने. ऐसे नहीं होता था. हमेशा वो ममालिक वो खिलाफतें वो हुकूमतें अपने खजाने अपने पास रखते थे. कभी ऐसा नहीं हुआ कि उम्मत मुस्लिमा का हर शख्स मकरूज हो चुका हो. कभी ऐसा नहीं हुआ कि तारीख इंसानी में ऐसा नहीं हुआ कि एक एक इंसान मकरूज हो. तो देखिए ये जो इतना गैर मामूली वक्त जिसमें आज हम बस रहे हैं इसके लिए हमको माजी से बहुत ज्यादा फतवे या गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं मिलेगी. हमको कुरान और सुन्नत की विजडम, उनकी एसेंस, उनकी जो रूह है उसको सामने रखते हुए अपने लिए रास्ते खुद ईजाद करने हैं. हमने उस रास्ते पर चलना है जिसकी डायरेक्शन हमको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है. ऑब्जेक्टिव गोल डिफाइन कर दिया है कि मुसलमान मिल्लत, मुसलमान उम्मत और एक मुसलमान माशरा और एक मुसलमान माशी निजाम के खदोखाल क्या होते हैं, और हमने आज के मैदान जंग में अपना रास्ता खुद बनाना है
उन हालात और वाकयात को सामने रखते हुए, उन वसाइल को देखते हुए जो आज हमारे डिस्पोजल पे हैं। देखिए उम्मत मुस्लिमा आज बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है माशी तौर पर। जो कुछ दौलत हमारे पास है वो भी यहूदियों के हाथ में है, यानी तमाम मुसलमान ममालिक के फॉरन एक्सचेंज रिजर्व या डॉलर में है या यूरो में है और रखे हुए इन्हीं के बैंकों में है, फॉरन बैंक में रखे हुए हैं। यही बात जो हम कर रहे थे कि ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, ये ऐसी मिसालें तारीख इस्लाम में कभी नहीं आई कि उम्मत मुस्लिमा के पैसे यहूदियों के पास हों और यहूदी जिस तरह चाहे उम्मत मुस्लिमा के माशरों को कंट्रोल करें, हमारी तहजीब को कंट्रोल करें, हमारे मीडिया को कंट्रोल करें, हमारी सकाफत को कंट्रोल करें, हमारे मीडिया को कंट्रोल करें और इस कौम की तकदीर बदलें। लिहाजा जब हम रिस्पॉन्स डेवलप करना शुरू करेंगे तो याद रखिए ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स, एक नेचुरल रिएक्शन आदमी के वजूद में ये होता है कि इंसान गुस्से में आता है कि ये सब क्या हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन फील होती है, एक एहसास से महरूमी, एक एहसास से कंतरी एहसास होता है कि हम क्या करें इस मामले में, और इंसान फिर रेडिकल हो जाता है, इंसान दहशतगर्दी पर उतर आता है, जिसको उड़ा दो, उसको मार दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये सब चीजों से ये निजाम नहीं तब्दील होगा। इस निजाम को तब्दील करने के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी का मतलब है कि एक एक कदम चलकर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिकग्नाइज करें, दुश्मन का वो मरकज पहचानें जिसके जरिए दुश्मन इस पूरे निजाम को चला रहा है, अपनी कमजोरियों को देखें, दुश्मन की ताकत को देखें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और एक एक करके रिस्पॉन्स डेवलप करना शुरू करें ताकि आप उस माशरे की तरफ चलें। दुश्मन का जो होल्ड हमारे माशरे पर, हमारे निजाम पर है, उस होल्ड को हम एक एक करके तोड़ेंगे। देखिए ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ये हम फिर बता रहे हैं। हमसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमको जल्दी से रिस्पॉन्स बताइए, हमें तरीका बताइए कि हम इस निजाम को किस तरह तब्दील करें। इसके लिए 1, 2, 3, 4 स्टेप्स डूज एंड डोंट्स की शक्ल में नहीं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स डेवलप होगा उसके लिए बहुत बड़ा किरदार एक माशरे की तामीर भी है, इंसान साजी भी है, किरदार की तामीर की जरूरत है। जी, क्योंकि जो कुछ आप करने जा रहे हैं, जो कुछ हम रिकमेंड करेंगे, यकीन कीजिए ये किया जा सकता है, ये डूएबल है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। ये कुफर का निजाम इतना मजबूत नहीं है जितना ये नजर आ रहा है। जिस तरह हम पूरे पिछले प्रोग्रामों में ये बात डिसाइसिवली साबित कर चुके हैं कि ये निजाम अपने खंजर से आप खुदकुशी कर रहा है, हमने सिर्फ अपने आप को अब तैयार करना है कि जब ये निजाम अपनी खुदकुशी करे एक तरफ, और दूसरी तरफ जब हम अपनी कोर पकड़ना शुरू करें तो हम इस निजाम को पीछे हटाते हुए अपना एक जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, मॉरल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के तरह एस्टैब्लिश करें। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी होगी। अगले 2-3 प्रोग्रामों में हम इसको डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन रेडिकल होंगे, इनको जल्दबाजी में रिजेक्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम ये सोल्यूशन देना शुरू करेंगे हमारी 3-4 नस्लें ऐसी पैदा हो गई हैं जो उस कुफर के निजाम में पैदा हुई हैं, जो यूज टू है इस बैंकिंग सिस्टम की, जो आदि है इस पेपर करेंसी की, जिनके तसव्वुर में नहीं है कि दोबारा से वही निजाम कायम किए जा सकते हैं जिसपे हजारों साल से इंसानी तहजीबें चलती रही हैं। बड़ी बड़ी इंसानियत ने तहजीब और सिविलाइजेशन बनाई है, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में बात बताई है, आखिर वो भी चला करती थी, वो सूद और रिबा के निजाम पर नहीं थी, उनमें भी रियल वेल्थ थी, उनमें भी गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स थे, वो पेपर करेंसी पे, ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम पे, फ्रैक्शनल रिजर्व के ऊपर नहीं चला करती थी। तो आज ये रिपीट क्यों नहीं किया जा सकता है? ये इस मीडिया के जरिए, एजुकेशन सिस्टम के जरिए और अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए हमें कन्विंस करते हैं कि भूल जाइए कि वो निजाम दोबारा लौट के वापस आ सकता है। नहीं, ना हम भूले हैं ना हम भूलने देंगे। हमने ये सारी एफर्ट, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ यह है कि हम उस अगले के निजाम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। देखिए आज इंसानियत तकलीफ में है, क्या अफ्रीका के मुसलमानों को तकलीफ नहीं है? क्या यूरोप और अमेरिका के इंसानों को तकलीफ नहीं है? क्या पूरी दुनिया के वो इंसान जो कि इस कुफर के निजाम में, इस रिबा और सूद के निजाम में, इस बैंकिंग इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम में, इस पेपर करेंसी के निजाम में, जिनका सारा सोना समेट के और घसीट के नोच के यहूदी ले रहे हैं, क्या वो तकलीफ में नहीं है? आज हाल ये है इस पेपर करेंसी का कि जिम्बाब्वे में एक अंडा खरीदना हो तो 1 लाख रुपए का आता है, एक होटल में खाना खाने जाइए तो 5 करोड़ रुपए का बिल बनता है। एक पेपर करेंसी के साथ जो ये सुलूक करते हैं, जिस कौम को तबाह बर्बाद इन्होंने करना हो उसकी करेंसी को डिवैल्यू करना शुरू करते हैं, ये बात डिसाइसिवली तय हो चुकी है। ये सिस्टम हमें कबूल नहीं है, ये सिस्टम नहीं चलेगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमने हर हाल में कोशिश करनी है, चाहे इसके लिए हमें अपनी कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़े, इस निजाम को तब्दील करना है। देखिए जब एक इंकलाब बरपा होता है तो उसकी कीमत बहरहाल देनी पड़ती है। As you guys said, we are anxious to hear your solutions to the problems that you've highlighted for us, लेकिन उससे पहले we have to go on a short break.
वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा आपने जितनी बातें हाईलाइट की हैं वो कैपिटलिस्ट निजाम का हिस्सा है, बेसिकली डिफाइंड एज कैपिटलिज्म और इवन अ मिक्स्ड इकॉनमी। क्या इस्लाम और कैपिटलिज्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और हमें ऐसा निजाम क्रिएट करना पड़ेगा जो कि कैपिटलिज्म से रेडिकली डिफरेंट हो, या उसी के अंदर हम कुछ चेंजेस लाके उसको इस्लाम से कंपैटिबल कर सकते हैं? देखिए मरियम, आपका ये सवाल इसलिए रेलेवेंट बहुत ज्यादा है कि आजकल बहुत सारे लोगों का तसव्वुर यह है कि इस्लाम ने कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं दिया, लिहाजा इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम को एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम जो है कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस्लामिक सोशलिज्म, लिहाजा ये टर्म्स जो हमसे टर्म्स कॉइन की जाती है, इस्लामिक सोशलिज्म की बात की गई है, इस्लामिक कैपिटलिज्म की बात की गई है। इस्लाम इस्लाम है, इसका इसी सूरत में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में जो खसूसियात हैं उसकी कुछ बातें कैपिटलिस्ट सिस्टम में हैं, कुछ बातें सोशलिज्म में भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम को मुकम्मल करने के लिए सोशलिज्म या कैपिटलिज्म से कोई चीज उधार मांगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो आज राइज है इस दुनिया में, इसकी बुनियाद जिन बातों के ऊपर है, आप आगे जाकर देखेंगे, उनका बराह रास्त तसादुम होता है अल्लाह उसके रसूल और इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम के साथ। हम किसी सूरत में भी इनको आपस में साथ नहीं चला सकते। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम कैपिटलिस्ट सिस्टम पर चलते हैं या हम इस्लाम पर चलते हैं। जैसा बेसिकली कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट सिस्टम की आप कह रहे हैं कि इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फ्रॉम इस्लाम, क्योंकि वो उसकी बुनियाद इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, लेकिन अगर खाली इस एलिमेंट को हम उससे बाहर कर दें, कैन वी देन को एग्जिस्ट विद दैट सिस्टम और नॉट? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया यही बात कि खासी आर्गूमेंट्स इस बात में दी जाती है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम से आप रिबा को अगर निकाल दें तो उसके बाद वो इस्लाम बन जाएगा। देखिए, पहली बात, फिर वो कैपिटलिस्ट सिस्टम रहेगा ही नहीं अगर उससे रिबा निकाल दी जाए, और दूसरी बात ये कि इस रिबा निकालने के बावजूद भी उस सिस्टम में इतनी एक्सप्लॉयटेशन है, उस सिस्टम में इतना फसाद है कि किसी सूरत में भी वो फितरत के साथ और शरीयत के साथ, इंसान की नेचुरल लिविंग के साथ वो मेल खाता ही नहीं है, वो चल सकता नहीं। देखिए, अब हम आते हैं उस इन्वायरमेंट की तरफ जिसमें हम आज रह रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज के वक्त के बारे में वार्न कर दिया था। एक हदीस शरीफ है जिसमें आपने फरमाया था, जिसका मफहूम यह है कि एक वक्त आएगा कि कोई इंसान ऐसा बाकी नहीं रहेगा कि जो रिबा के निजाम में ना हो, जो सूद ना खाता हो, और जो शख्स सूद ना भी खाता होगा उसको भी उसका धुआं पहुंचेगा, उसको भी उसका गुबार पहुंचेगा, उसकी गर्द पहुंचेगी, उसकी मिट्टी पहुंचेगी। ऐसे जैसे कोई शख्स सिगरेट तो नहीं पी रहा है, लेकिन आसपास लोग अगर सिगरेट पी रहे हैं तो उसका धुआं उस तक पहुंचता है। हम उस निजाम में रह रहे हैं। ये तारीख इंसानी में पहली दफा हुआ है कि कोई इंसान अब इस निजाम से बाहर नहीं है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हो, चाहे कम्युनिस्ट इकोनॉमी का हो, चाहे मुसलमान ममालिक में बसता हो, चाहे मुत्तकी हो, चाहे गुनाहगार, हर इंसान इस निजाम के अंदर रह रहे हैं। आखिर हम भी तो पेपर करेंसी इस्तेमाल करते हैं, हम भी तो बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहां अच्छे अच्छे मुसलमान मजबूर हैं कि इस सिस्टम के अंदर रहें और इसको इस्तेमाल करें। चाहे सो कॉल्ड जो इस्लामी रियासतें बनाई हैं लोगों ने, चाहे वो ईरान की रियासत भी क्यों ना हो, जिसमें वाकई जनरली वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, तालिबान ने अटैम्प्ट की कोशिश करने की, सोमालिया में अटैम्प्ट की कोशिश करने की, उसके बावजूद भी वो लोग मजबूर हैं इसी बैंकिंग सिस्टम और पेपर करेंसी को इस्तेमाल करने के। ये जो रिस्क हलाल भी कमाना चाहता है तो उसको गुबार पहुंचता है, उसको धुआं पहुंचता है रिबा के निजाम का। हमारी हुकूमतें अपने अकाउंट्स फॉरन एक्सचेंज के जो रखती हैं उस पर सूद लेती हैं। जो लोग जिन जिन दफ्तरों में नौकरों में मुलाजमतें करते हैं, उस मुलाजमतों गोकसों में हलाल रिस्क कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिन इदारों में वो काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट बेस्ड अकाउंट्स हैं। देखिए, ये मामला जैसे हमने अर्ज किया कि ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली सूरत हाल है, इस पर क्लासिकल फतवे नहीं लगाए जा सकते। इस माशरे में अगर आप जनरल कैटेगराइजेशन करें तो आपको तीन तरह के इंसान नजर आएंगे। एक तरह के वो इंसान हैं कि जो इस सूद और रिबा के निजाम की बुनियाद है, इसको मजबूत कर रहे हैं, इसको कायम और दायम रखने के जिम्मेदार हैं। इसमें जायनिस्ट भी हैं और हमारे मुसलमान माशरों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अक्सरियत हैं कि जो मजबूर हैं, बेकस हैं, फंस गए हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक ऐसे निजाम में फंस गए हैं कि जो पिछले 2-3-4 साल के अंदर बिल्ड किया गया है, जिसके अंदर एक अच्छे शरीफ इंसान फंस के रह गया उसके अंदर। अब वो अपने हलाल रिस्क भी कमाना चाहता है, मेहनत भी करना चाहता है, तो उसको धुआं पहुंचता है रिबा के निजाम का, अक्सरियत इंसानों की है। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जो गोके इस निजाम में फंसे हुए हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जान मार रहे हैं इस निजाम को तब्दील करने के लिए, कहीं अवेयरनेस के जरिए, कहीं जिहाद के जरिए, कहीं अटेम्प्ट के जरिए, कहीं अल्टरनेट इकॉनमी जनरेट करने के जरिए। देखिए, समुद्र में सब गिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके साथ मामला उस तरह करेगा जिस तरह उस शख्स की नीयत है या उस शख्स का रिस्पॉन्स है।
एक शख्स समुद्र में नहाना शुरू कर देता है, एक फंसा हुआ है और एक हाथ पांव मार के खुद भी निकलने की कोशिश कर रहा है, अपने भाई को भी निकालने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह का नबी के तीनों बराबर नहीं है। तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि देखिए, जब आप रिस्पांस डेवलप करने की बात करते हैं कि अपने वजूद में अपनी नीयतें दुरुस्त कर लीजिए और अपने आप को रीऑर्गेनाइज कीजिए, अपने फोकस को, अपने थॉट प्रोसेस को, कि क्या इस निजाम में हम खुश हैं, इसमें रहना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि इस निजाम को तब्दील नहीं किया जा सकता, इस निजाम ही में कायम रहना है, हमको जो रास्ते निकालने हैं इस निजाम के अंदर रहते हुए निकालने हैं, देन इन दैट केस हम उस वजूद का हिस्सा बन जाएंगे, उस कुफर के निजाम का हिस्सा बन जाएंगे जो उस निजाम को कायम रखे हुए। दूसरे वो लोग हैं जो बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते लेकिन कम अज कम दिल में तो बुरा कह सकते हैं इस निजाम को जी। और तीसरे वो लोग हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट करेंगे इस निजाम को तब्दील करने के लिए, ये थोड़े लोग होंगे। ये लोग बहुत हाई रिस्क लेंगे इस काम को करने का, क्योंकि कुफर का निजाम देखिए, इन सबकी मेंटेलिटी कुफर के निजाम की फिरौन की मेंटेलिटी की तरह है। जब फिरौन को यह मालूम हुआ था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे निजाम के लिए खतरा होगा, तो उसने एक बच्चे के पीछे लाखों लोग मरवा दिए थे। ये निजाम जिसके डॉलर के ऊपर फिरौन की कब्र और फिरौन की और दज्जाल की आंख बनी हुई है, ये निजाम रूथलेस है, ये निजाम छोड़ने वाला नहीं है। इसको जब यह अंदाजा होगा कि किसी एक मुल्क में, किसी एक कौम में, किसी एक ग्रुप में एक मूवमेंट पैदा हो रही है जो लोगों को एजुकेट भी कर रही है, अवेयर भी कर रही है और एक रिस्पांस डेवलप कर रही है कि जो वाकई सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करेगा इसके ऊपर के निजाम पे, तो वो रिएक्ट करेंगे, वो रिस्पॉन्स फिर उनकी तरफ से रिएक्शन भी आएगा। वो रिएक्शन ग्लोबल लेवल पर भी होगा, नेशनल लेवल पर भी होगा, लोकल लेवल पर भी होगा। अब इस सारे मामला को इस कुफर के निजाम में रहते हुए हम कैसे तब्दील करें, इसकी सुन्नत हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। हुजूर ने हमें सिखाया है कि कुफर के निजाम में रहते हुए किस तरीके से कुफर के निजाम को तब्दील करने की अटेम्प्ट की जाती है। देखिए, ये वाकया हमारी तारीख का हिस्सा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ फरमाया करते थे मक्की दौर में, जब 360 बुत काबे में रखे हुआ करते थे। कोई मुसलमान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राजी नहीं थे, लेकिन खाना काबा का तवाफ किया जा रहा था जब वो बुत अंदर रखे हुए थे। उन बुतों को तोड़ा गया है उस वक्त जब मुसलमानों के पास इतनी मिलिट्री माइट, मिलिट्री ताकत हमारे पास थी कि हम डोमिनेट कर रहे थे। फतह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना शाम के साथ मक्का में दाखिल हुए तो अपने दस्ते मुबारक से आपने एक एक बुत को तोड़ा। हमको विजडम क्या मिलती है इस बात से कि देखिए, अगर रिएक्शन होता उस वक्त मुसलमान एक बराबर भरपा कर देते, मक्का में एक कत्ल और जंग की सूरत हाल पैदा करते, बराबर कटाते जाते तो छोटा सा ग्रोह मुसलमानों को वहीं खत्म कर दिया जाता जी। मुसलमानों ने उस चीज को कहम के साथ टॉलरेट किया जी। एक रिस्पांस स्ट्रैटेजी बनाई, सुबह दे दिया, पूरा प्लान हमारे सामने था, कयादत हमारे पास रूहानी मौजूद थी, हमारे पास एक कोर टीम बनी मुसलमानों के पास थी जो इतनी डेडिकेटेड थी अपने मिशन में, जिसके सामने पूरा मिशन वाजे था कि हमने क्या अचीव करना, और हिकमत के साथ उसने अपना रास्ता निकाला। उसने किसी मौके पर अपने असूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन बिना वजह उसने अपने आप को तसादुम और खतरे में भी नहीं डाला। 13 साल मक्की पीरियड मुसलमानों को पैसे रेजिस्टेंस का वक्त था, मुसलमानों ने कोई मजामत नहीं की, कोई जंग नहीं की, कोई कत्लो हारत नहीं बरपा की, कोई दुश्मनों से मुकाबला नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब हिजरत होती है, इस्लामिक रियासत बनती है, एक स्टेट बनती है, तो उसको भी 9 साल लगते हैं उस रियासत को रीऑर्गेनाइज करने में, उसमें जंगें भी होती हैं, उसमें प्रोसेस, उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम भी बनता है, उसके अंदर एक ब्रदरहुड भी बनता है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस सिस्टम क्रिएट होता है, और आखिर में 9वीं हिजरी के करीब जाके जब फतह मक्का होता है, और फतह मक्का पर जब मुसलमान दोबारा अपने ओरिजन को फातिहाना तौर पर फतह करते हैं, उस वक्त जाके वो डिसाइसिव बैटल होती है, वो फैसला को मौका आता है कि जब मुसलमान जाके उन सारे बुतों को तोड़ते हैं। जी जैसा विल कंटिन्यू विद दिस, बट बिफोर दैट वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ह्यूज इकॉनमीज और उनके लिए शायद इतना पॉसिबल नहीं कि इतना गोल्ड और सिल्वर वो कैरी करें। देखिए, आपकी इन दोनों बातों का जवाब जो है, पहली बात यह कि आखिर इंसानी तारीख हजारों साल से गोल्ड एंड सिल्वर में डील कर रही थी ना जी। खिलाफत उस्मानिया बनी थी, मुगलों की हुकूमत थी, स्पेनिश हुकूमत थी, बड़ी बड़ी एम्पायर नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने बनाई, पर्शियन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर थी, वो किस तरह मैनेज करते थे। देखिए, ये भी सिर्फ एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है आपको ये बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर मैनेज नहीं किया जा सकता, लगा हमें दे दें हम आपको जाली रसीदें दे देंगे। ये भी बेवकूफ बनाने का कौमों का तरीका है जो मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए उन्होंने किया हुआ। और दूसरी बात यह कि जो आपको इतनी बड़ी बड़ी इकॉनॉमी नजर आती है, ये सारी फेक इकॉनॉमीज है। हमने आपको ये बात समझाई थी कि इन लोगों को जब एक पेपर करेंसी या डिजिटल करेंसी पर जब ये जाते हैं तो एक्चुअली दे क्रिएट मनी आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ थिन एयर। लिहाजा आपको देखने में तो इकॉनॉमी इतनी बड़ी नजर आ रही है,
लेकिन फिर ये कोलैप्स भी इसी तरह करती है, क्योंकि जैसे हमने पूरी बात तफसील से समझा चुके हैं कि जिस दिन कोई एक कंप्यूटर या सैटेलाइट या कोई एक डॉलर करेंसी इन्होंने तब्दील कर दी या डॉलर को किसी ने रिफ्यूज करने से इंकार किया तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स करेगी ओवरनाइट। देखने में तो आपको बहुत स्टेबल नजर आ रही है। हम सोने और चांदी की बात आपको बताते हैं, देखिए इसका बेनिफिट इसके देखिए। दरहम और दीनार की जो इक्विवेलेंट मुसलमान स्कॉलर्स ने इस पर रिसर्च की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 1400 साल पहले एक मुर्गी एक दिरहम की आया करती थी, और आज भी अगर एक मुर्गी की कीमत निकाली जाए तो एक दिरहम में आती है। 1400 साल में जीरो इन्फ्लेशन है गोल्ड और सिल्वर करेंसी पे, यानी जो इक्वल अगर उस वक्त की करेंसी के लिहाज से राष्ट्र करेंसी के लिहाज से सिल्वर और गोल्ड वर्थ और वैल्यू और वेट के लिहाज से अगर मेजर किया जाए तो कमोडिटी वैल्यू इज एग्जैक्टली द सेम। ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने रिसर्च किया इसके ऊपर। और एक आपको बड़ी हैरतअंगेज हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुनाते हैं, ये सियासता की हदीस में मसद अहमद की हदीस में से है कि हुजूर ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि एक वक्त आएगा बनी नौ इंसान पे, इंसानियत पर एक ऐसा वक्त आने वाला है कि सिवाय दरहम और दिनार के, यानी सिवाय गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के, हर चीज की वैल्यू वर्थलेस हो जाएगी, रद्दी हो जाएगी हर चीज। अब एक निकली बात को सोचिए, यह हदीस मुबारका एक ऐसे माहौल में बयान फरमाई जा रही है जहां पर दरहम और दिनार के अलावा कोई तीसरी करेंसी है ही नहीं, तो वहां के लोगों के लिए यह बात बड़ी अजीब सी होगी कि दरहम और दिनार के अलावा जो करेंसीज हैं वो रद्दी हो जाएंगी। ये अजीब चीज बात लगती है, क्योंकि उस वक्त के लोगों ने ऐसी कोई करेंसी देखी ही नहीं थी कि दरहम और दिनार के अलावा हो। आज हमें इस हदीस की विजडम समझ में आती है। अब ये हुजूर ने फरमाया था कि बनी नौ इंसान पर, इंसानियत पर यह वक्त आने वाला है। जैसे बात हमने मिसाल आपको पहले दी थी, आज जिम्बाब्वे का हाल यह है कि वहां लाख रुपए का अंडा आता है, और अल्लाह ना करे जिस मुल्क को ये तबाह करना चाहेंगे उस मुल्क के साथ वो ये सलूक करेंगे, ओवरनाइट उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर देंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि बनी नौ इंसान पर एक वक्त आएगा कि सिवाय सोने और चांदी के सिक्कों के हर चीज रद्दी हो जाएगी, हर करेंसी वर्थलेस हो जाएगी। तो एक कॉमन सेंस है, यानी एक सर्वाइवल के लिए भी इंसान की बात बिल्कुल वाजह है कि अगर आपने इंसानियत का सर्वाइवल चाहिए तो हमको उस करेंसी पे जाना पड़ेगा कि जो रियल वेल्थ है, वो करेंसी जिसको यहूदी ज़ायनिस्ट बैंकर्स खुद तो रख रहे हैं अपने पास, गोल्ड एंड सिल्वर का डिपॉजिट या खुद तो जमा कर रहे हैं, बनी नौ इंसान को जिन्होंने रद्दी का आरोप पकड़ा दिया, तो उसका रिस्पॉन्स शुरू इसी तरह होगा कि वी स्टार्ट गोइंग बैक टू दी गोल्ड स्टैंडर्ड्स। कैसे ही हम आगे बताएंगे, इनकी इनहेरेंट वैल्यू है जिसको कभी रिजेक्ट नहीं किया जाए, इनकी इनहेरेंट वैल्यू है जैसे हमने अर्ज किया, जो कि इन्फ्लेट नहीं करते, जो डिफ्लेट नहीं करते, हुकूमतें अपनी मर्जी से इनकी वर्थ और वैल्यू तब्दील नहीं कर सकती। जो 100 साल भी आप जमीन में दबा दें तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं करेगी, सोना हमेशा सोना रहेगा। बल्कि ये बात आपको गैर मामूली हैरानगी की होगी कि इस्लाम के अव्वलीन दौर में, खुल्फाए राशिदीन के दौर में, मुसलमान पर्शियन एम्पायर के सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अपने सिक्के उस वक्त मुसलमानों ने डाले नहीं थे, तो गोल्ड तो गोल्ड है। अब दूसरे मुल्कों के सिक्के भी करेंसी के तौर पर जारी हो सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि सोना चांदी था, हजरत दरहम और दिनार इस्तेमाल हुआ करता था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में पहली मरतबा मुसलमानों ने इस्लामी रियासत में अपने सिक्के ढाले, अपने सिक्के बनाए, और उस वक्त भी क्योंकि सोने और चांदी के सिक्के थे, लिहाजा ये सिक्के जो कि इस्लामीन इस्लामी रियासत में बने थे वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होते थे, क्योंकि अगेन सोना था, वजन के हिसाब से दिए जाते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका मोहर क्या लगाई गई है। ये इंट्रिंसिक वर्थ है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन की। देखिए अभी हमारी बेस वैल्यू की वही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू है जो सबसे ज्यादा नापाक और अनस्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जिसके अंदर आप रियल वेल्थ नहीं, रियल वेल्थ की रसीदों से काम करें, जो कि रियल वेल्थ की रसीद के मुकाबले में जिसकी कोई वर्थ नहीं है, और जबकि पीछे से रियल वेल्थ की लाइफ हो चुकी है, जो कि हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिहाजा लेकिन एक बात हम आपको बता दें, देखिए रिबा का निजाम जिस बुरी तरह इस माशरे में सरायत कर चुका है, इसको निकालना आसान नहीं है, ये मुश्किल काम होगा। 1400 साल पहले भी ये मुश्किल काम था, आसान नहीं था। आपको मिसाल देते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा उठा के देखिए, खुतबा हज्जतुल विदा आपने आखिरी हज के मौके पर बयान फरमाया है, जब 23 साल तकरीबन हो चुके हैं इस्लाम की तबलीग करते, इस्लाम को नाफिज करते, उसमें रजवात हुए हैं, उसमें जहाज हुए हैं, उसमें पूरी सोसाइटी और पूरा माशरा कायम किया गया, उसके बावजूद इक्का दुक्का जगहों के ऊपर सूद पर कर्ज देना या उसका या लोगों के पास ऐसे कर्ज बाकी थे जिनसे वो सूद दिया करते थे या वादे कराने थे कि उसके ऊपर सूद दिया जाएगा, हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा में जो ऐलान फरमाया है कि सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद माफ करता हूं, आपने सूद का जिक्र किया है और अपने खानदान का सूद माफ किया है कि जो खानदान के लोगों के सूद बाकी के लोगों के ऊपर,
देखिए ये एक बड़ी गहरी वृद्धि है इस बात में, हम खुतबा हज्जतुल विदा पर आएंगे, इसलिए कि हमारा पूरा जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो बिल्ड होगा उसकी बुनियाद एक जो इसका जो समरी है जो उसको हम एक जस्ट उसकी जो बयान कर सकते हैं वो इंतहाई खूबसूरत तरीके में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में बयान फरमाया, जिसके अंदर बराबर चर्चा ने किया रिबा को सूद के निजाम को आपने टच किया, आपने हुक्म फरमाया आज के बाद सूद और रिबा के तमाम निजाम खत्म किए जाते हैं, यानी उस वक्त तक हो रहा था मामला क्योंकि उसको निकालना आसान नहीं था। जिस तरह शराब की हुरमत आती है, शराब की हुरमत भी धीरे धीरे आई है और बहुत तवील अरसे के बाद शराब मुकम्मल तौर पर हराम हुई थी। जी जैसा इंस्टीट्यूशन तक हम आएंगे, इससे पहले वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक अगेन। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसे आपने अभी मेंशन किया, आपने रिफर किया टू द लास्ट सर्मन ऑफ द प्रॉफिट और इन अदर वर्ड्स जो कहलाता है खुद पर हज्जतुल विदा, उससे हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं? देखिए ये खुतबा हज्जतुल विदा एक फंडामेंटल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इससे बेहतर डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इतना मुख्तसर इंसानी हकूक का ऐसा दस्तावेज कायनात में ना इसके पहले बना ना इसके बाद दिया जा सकता। इसके अंदर जिन जिन एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है, आज के माशरों में अगर सिर्फ हम इसको बुनियाद बना लें तो हर किस्म का जुल्म खत्म हो सकता है, हर किस्म की एक्सप्लाइटेशन खत्म हो सकती है, एक ऐसा जस्ट इकोनॉमिक और मॉनेटरी सिस्टम बन सकता है कि इंसानियत रह करे उसके ऊपर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो बुनियाद है तौहीद रिसालत आखिरत अकीदा अल्लाह की तौहीद अल्लाह ताला की वहदानियत, उन तमाम बातों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेट अवे एम्फसाइज किया रिबा के ऊपर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रिबा और सूद का निजाम, लोगों को वाजे तौर पर जो प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स दिए उसमें हतमी तौर पर फैसला कर दिया कि मुसलमान ना तो रिबा ले सकता है ना रिबा दे सकता है। जब रिबा ऐसे माशरे में होता है जहां पर जुल्म और सितम हो, जहां पर एक दूसरे के साथ लूट खसोट हो, जहां पर माद्यत जहां पर मादा परस्ती और जहां पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताल्लुक का कोई वास्ता ना हो, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में हो, एक स्पिरिचुअल और एक रूहानी सोसाइटी में जहां मोहब्बत हो प्यार हो ताल्लुक हो गरीबों मिस्कीनों यतीमों विवाहों का ध्यान किया जाए, वहां के लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है रिबा, रिबा वहां हो ही नहीं सकता। रिबा जिस लेवल की एक्सप्लॉयटेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं तफसील उसकी, तो रिबा के निजाम को हराम करार देने के बाद भतली और मुकम्मल तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रात ब्रदरहुड की बात की, आपने फरमाया कि मुसलमान भाई भाई हैं, यानी एक मुस्लिम सोसाइटी में जो ब्रदरहुड है जो आपने कायम फरमाई, जो आपने उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया कि जो आपने मदीना हिजरत करते वक्त मक्के से जो हिजरत करके मुसलमान मदीना पहुंचे थे तो वहां आपने मवाकात का कॉन्सेप्ट कायम किया था, मवाकात यानी ब्रदरहुड, कि एक मक्का के मुसलमान को एक मदीने के मुसलमान को आपस में साथ खड़ा करके भाई बना दिया था और उससे कहा था कि तुम अपने भाई की मदद करो क्योंकि वो माजिर थे, इनके पास कुछ नहीं था, वही अंसार थे जिनके पास मदीने में कोई विरासत थी कोई जायदाद थी और उनको हक दिया एक दूसरे का तुम उस तरह ख्याल करोगे जैसे अपने सगे भाई का तुम ख्याल करते हो, और ये मुलाकात इतनी मजबूत थी कि हम सिर्फ एक मिसाल आपको हजरत मुसअब बिन उमैर की देते हैं कि जो जंगे बदर में जिनका भाई काफिरों की तरफ से गिरफ्तार हुए और हजरत मुसअब बिन उमैर मुसलमानों की तरफ से थे, और जब इनके भाई को गिरफ्तार देखा, अपने सगे भाई को उन्होंने गिरफ्तार देखा तो अपने उस मुसलमान भाई से कहा कि इसको अच्छी तरह गिरफ्तार करो, अच्छी तरह इसको पकड़ो क्योंकि इसकी मां बहुत अमीर है, तुम्हें बड़े पैसे देगी, बड़ा रैंसम देगी इसको छुड़ाने के लिए, तो उनके सगे भाई ने एतराज किया कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने कहा नहीं, मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, मेरा सगा भाई वो है जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है, ये ब्रदरहुड था, ये वो मुलाकात थी, इसका ताकीद फरमाई हुजूर ने एक इस्लामी माशरे में खुतबा हज्जतुल विदा में, और साथ साथ बहुत वादे फरमा दिया कि तुम अपने माशरे में सोशल एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी आज की जबान में अगर हम उसको मफलूम बयान करें तो वो ये है कि एक दूसरे की गर्दनें मारना, तुम्हारी जान तुम्हारा माल तुम्हारी प्रॉपर्टी सब हराम है, एक दूसरे के ऊपर खबरदार जुल्म और ज्यादती से उसको न लूटना, जुल्म और ज्यादती के साथ उसको न लेना जब तक मुसलमान भाई तुम्हें इजाजत ना दे। देखिए रिबा के निजाम की बुनियादी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर है, हर चीज का यहां खात्मा किया गया, और उसके बाद औरतों के हकूक यानी वुमेन राइट्स के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई हैं हज्जतुल विदा में, हम उसका जिक्र इसलिए करेंगे कि हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। औरतों को जो विरासत का हक दिया गया है, औरतों को जो प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं, औरतों को जो अपने कारोबार करने की इजाजत दी गई है, तो और की पहली बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ताज़ी खातून थी, ये तमाम राइट, लेकिन इसकी ताकीद देखिए क्योंकि वही बात हम कर रहे हैं कि माशरों में ऐसी चीजें होती हैं कि जो इतनी गहरी बदी हुई होती है, इतनी गहरी होती है कि उनको निकालने में वक्त लगता है, ओवरनाइट नहीं होता ये सारा काम, 23 साल की
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और एक उस जिद्दोजहद मुसलसल के बाद आखिर में जिन बातों की आप बार बार तलकीन और ताकीद फरमा रहे हैं, ये तो ताकीद है। रिबा तो आपने बाकायदा निजाम जारी था, आपने खत्म करवाया, आपने फाइनली कैंसिल किया उसको कि आज के बाद तमाम जाहिलियत के सूद माफ किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। जैसा आपने एक बार उसी चीज को हाईलाइट किया कि इस्लाम ये कहता है कि कलेक्टिव बेनिफिट टू सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द बेनिफिट टू एन इंडिविजुअल, विच टेक्स मी टू कैपिटलिज्म अगेन। इसलिए कि कैपिटलिज्म की बुनियाद है प्रॉफिट इंसेंटिव पे, वो इंसेंटिव या वो फिलोसफी जो कहलाती है कि आप ट्रेडिंग में या किसी भी चीज में अगर अपने जाती बेनिफिट को पहले देखोगे तो ओवरऑल सोसाइटी बेनिफिट ज्यादा करेगी। इसको अगर हम काउंटर प्लेस करें इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे वही हम अर्ज कर रहे हैं कि हम अब कंपैरिजन भी करेंगे जी, हम आगे जाके ये कंपैरिजन करेंगे कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक इस्लामिक इकोनॉमी में कंपैरिजन क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, फर्क कहां पे आता है। बात हम अपनी टर्मिनेट कर रहे थे खुतबा हजतुल विदा पे, जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, किसी काले को गोरे पे फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पे फजीलत नहीं है, बुनियाद तकवा के ऊपर है। तकवा एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, एक रूहानी कॉन्सेप्ट है। देखिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इस माशरे में, जो पैरामीटर्स ऑफ आउटलाइन दी गई है एक ऐसे माशरे की, तो जहां पर एक इस्लामी निजाम होगा, इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम एक माशरे से आइसोलेशन में नहीं अप्लाई किया जा सकता, वो एक ऐसे माशरे में अप्लाई किया जा सकता है जो एक इस्लामी माशरा हो, वो एक ऐसा माशरे में जो एक रूहानी माशरा हो, एक ऐसा माशरा हो कि जहां पर लोग अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहकाम को मानने पर तैयार हों। ये नहीं हो सकता कि बिट्स एंड पीसेज में हम कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर दें और उसको कहें कि हमने इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम नाफिज कर दिया या हमने शरीयत नाफिज कर दी। एक हम के जो जस्ट और इकोनॉमिक और इस्लामिक मॉनेटरी प्रिंसिपल और मॉनेटरी सिस्टम है उसके पैरामीटर्स क्या है, अभी हम उस पर बात करते हैं। देखिए जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं कि जस्ट इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के जिसके नतीजे में माशरे में क्या होगा, जो आइडियल रोल मॉडल्स हैं वो क्या है, सबसे पहली बात कि वो एक रूहानी माशरा होगा। उस माशरे के लीडर्स रोल मॉडल्स होंगे, उस माशरे के लीडर्स उसके आला तरीन इंसान होंगे, उस माशरे की जो क्यादत होगी ये वो होगी कि जो एक मोहब्बत करने वाले शफीक बाप की तरह पूरे माशरे की जिम्मेदारी उठाएगी। ये वो लोग होंगे कि जिनके जिस्म पे अगर दो चादरें आ जाती हैं तो एक बुढ़िया भी सवाल कर सकेगी कि हम सबको एक चादर मिली है तो आपको दो चादरें कहां से मिली। ये वो अमीर होंगे इस रियासत के, ये वो अमीर होंगे इस मुकम्मल इस्लामिक निजाम के कि जब चराग जलाकर रात को काम कर रहे हों और उनका मुलाजिम आ जाए तो पहले मुलाजिम से वो ये पूछते हैं कि जाती काम है या सरकारी काम है, और अगर जाती काम है तो चराग बुझा देते हैं कि ये चराग मुझे सरकारी काम के लिए दिया गया था। जहां इमानत का दयानत का ये मयार होगा वो मुकम्मल तौर पर हम उस इस्लामी माशरे को कहेंगे कि ये अब इस्लामी सोसाइटी इस काबिल है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तमाम असरात और समरात और इसके तमाम फल समेट सके। जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट इस माशरे का है, याद रखिएगा, हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट है। हम मुसलमान बहुत ज्यादा डायरेक्शन कॉन्शियस लोग हैं, हमारे यहां सिर्फ शराब और सुअर हराम नहीं है, आटा दाल रोटी चावल गंदम भी हराम है अगर हराम रिस्क से खरीदा गया। हमारे माशरे में एक ऐसे माशरे में जिसमें लोग हराम छोड़ने पर तैयार ना हो, एक ऐसे माशरे में जिसमें लोगों का रिस्क हलाल और हराम की परवाह न करते हो, एक ऐसे माशरे में कि जहां पर लोगों के सोर्सेज ऑफ इनकम डिफाइंड ना हो, एक ऐसे माशरे में कि जहां पर लोग अल्लाह के दिए हुए इमानत को खयानत समझ के खर्च करते हो, वो माशरा, उसके बाद अगर वो ये कहे कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कायम करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है उसके लिए। लिहाजा सबसे पहले जो बुनियाद है इस्लामी माशरे की, जैसे हमने किया, कि वो एक रूहानी माशरा होता है। लेकिन जैसे क्या ये आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स हासिल की जा सकती है ऐसी सोसाइटी जहां जानबदारी हो, ऑनेस्टी हो, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे को प्रायोरिटी पहले दी जाए और सोशल बेनिफिट जो कलेक्टिव हो सोसाइटी को उनके पहले देखा जाए? बात चूंकि ये तारीख में पहले हमेशा होता रहा और हो चुका है, सो वी हैव एग्जाम्पल्स। जैसे हमने ऐसा किया आपको कि ये पूरे पूरे माशरे हमारे पास मौजूद हैं। ये जो खिलाफत उस्मानिया थी, उंगलोस की मुसलमान हुकूमत थी, मुसलमान और मदीने की रियासत थी, बड़ी बड़ी मुसलमान रियासतें और बनाई गई हैं। ये तमाम रियासतें इंसाफ पे अदल पर कायम थी, माशरों के अंदर रिबा सूद का निजाम नहीं था, माशरों के अंदर जो करेंसी जारी हुआ करती थी वो रियल वेल्थ पे चला करती थी, माशरों में एक्सप्लॉयटेशन का निजाम नहीं था, अदल था, इंसाफ था। ये आइडियल रोल मॉडल्स हैं जो एक इस्लामी माशरे की तमाम खदोखाल बताएंगे। देखिए जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एक इस्लामी माशरे में, इट हैज टू बी रियल वेल्थ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पेपर करेंसी जो आजकल जारी है, जिसके पीछे कुछ नहीं है, जो फेक फॉरेन फिएट करेंसी है, इसके बेसिस पर
इसके अंदर रहते हुए किसी किस्म का कोई इस्लामिक सोशल ऑर्डर कायम नहीं हो सकता। जी जी सर, विल कंटिन्यू ऑन द सेम, बट बिफोर दैट वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा हमें हाईलाइट कर रहे हैं वो परसेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कैपिटलिस्ट निजाम से। जैसा प्लीज टू कंसीडर। आपकी बात देखिए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारा जो कुछ अब हम बता रहे हैं आपसे ये इस्लामिक सोशल ऑर्डर इस्लामिक इकोनॉमिक ऑर्डर की शक्ल है, इसका कैपिटलिज्म से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। बुनियादी डिफरेंस बिल्कुल बुनियाद है फर्क है यहाँ पे, क्योंकि उसकी बुनियाद रिबा पे है, हमारी बुनियाद तजारत पे है। उसके अंदर इसे इस्लामी माशरे में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ विद इन द सोसाइटी अशोर की जाती है। हमारे यहाँ ये लाजिम है, अशोर करना हुक्म है अहादीस मुबारका में कि दौलत को चंद हाथों में जमा मत होने दो। कैपिटलिस्ट सिस्टम की बुनियाद इस बात पर है कि चंद लोग इस पूरे निजाम को कंट्रोल करें। हमें वाजे तौर पर इसमें हुक्म है कि कोई सेंट्रल कंट्रोल दौलत के ऊपर नहीं हो सकता, यानी हत्ता के हुकूमत भी सेंट्रल कंट्रोल दौलत पर नहीं रख सकती, क्योंकि माशरे में दौलत इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, रियल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि इंसान आजाद होते हैं। यानी अगर एक रियल वेल्थ होगी और एक किसान के पास भी अपने सोने की शक्तियां मौजूद है तो हुकूमतें आए या हुकूमतें जाएं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लाइक द गवर्नमेंट, द स्टेट बैंक, ये गैर जरूरी है इस्लामिक सिस्टम। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गैर जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह आज नाफिज है ये गैर जरूरी है, जिस तरह आज नाफिज है ये हराम है। हमारे पास टोटल ऑप्शन मौजूद है। हम आपको पहले सिर्फ एक आइडियल इन्वायरमेंट दिखा रहे हैं कि जो हमने अचीव करना है, एक ऐसा माशरा जिसमें रिबा नहीं है, एक ऐसा माशरा जिसमें रियल वेल्थ है, एक ऐसा माशरा जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, एक ऐसा माशरा जिसमें इनकम टैक्स नहीं है, जिसमें सेविंग्स टैक्स है। कैपिटलिस्ट सिस्टम की बुनियाद इनकम टैक्स के ऊपर है, हमारी बुनियाद सेविंग्स टैक्स के ऊपर है, ज़कात के ऊपर, ज़कात सेविंग्स पर टैक्स है, इनकम पर नहीं है। एक ऐसा माशरा जिसके अंदर फ्यूल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज और पब्लिक इंटरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन नहीं की जा सकती, प्राइवेट हैंड्स में नहीं दिए जा सकते। इस्लामिक सोसाइटी की ये फंडामेंटल पैरामीटर्स में से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन्होंने सिवाय ऑक्सीजन के प्रैक्टिकली हर चीज प्राइवेटाइज कर दी है दुनिया में आज। यानी मुल्कों में हाल यह है कि लोगों को पानी खरीदना पड़ता है अपने घर में पीने के लिए। जी जैसा आप कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर पब्लिक प्रॉपर्टी इन इस्लाम, यानी कि सोसाइटी की कलेक्टिव ओनरशिप है उनके ऊपर, क्या इसकी हमें इस्लाम में कोई एग्जाम्पल मिलती है? जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस मुबारका है इस हवाले से, जिसमें इस पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दी गई है। और उसका मफहूम हदीस शरीफ का यह है कि आग, पानी और नेचुरल रिसोर्सेज पास्चर्स जो है, यानी आग का मतलब है फ्यूल रिसोर्सेज, पानी का मतलब है वाटर रिसोर्सेज, और पास्चर्स का मतलब है पब्लिक प्रॉपर्टी, वो जो अवामनास के रफायाम के जो इलाके हैं, इदारे हैं, वो तमाम के तमाम स्टेट प्रॉपर्टी में रहेंगे, प्राइवेटाइज नहीं किए जा सकते। ये आदिश मुबारका ने इसको बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। और देखिए अगला जो एलिमेंट है एक इस्लामिक जस्ट सोसाइटी का है कि यह लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, यानी यहां पर जमीन की तकसीम, जमीन के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस, एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से कवानीन, विरासत की तकसीम, यानी जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो इतना क्लियरली डिफाइंड है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, कत्तन वो रूल रेगुलेशंस है ही नहीं। और उसके बाद सोशल जस्टिस एंड फूड सिक्योरिटी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु का ये बयान कि दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी मारा जाता है तो उमर रिस्पॉन्सिबल है, यानी एक सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी का जो मेयार सेट कर दिया गया है वो इतना आइडियल है कि आजकल के फाइनेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी उसकी कोई मिसाल प्रेजेंट नहीं कर सकते। और गवर्नेंस का भी एंड खलीफा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द स्टेट, चाहे कुत्ता हो, कुत्ता और जानवर क्यों ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियासत की और खलीफा की है कि उसके साथ जुल्म और सितम ना किया जाए। और सोशल जस्टिस, इंसाफ, अदल, इस लेवल पर इंसाफ के खलीफा वक्त को भी कटहरे में बुलाया जा सके, इस लेवल पर इंसाफ के सईदना उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने जैसे एक पुरजलाल खलीफा को भी एक बुढ़िया सवाल कर सकती है कि उमर ये दो चादरें आप कहां से लेकर आए। देखिए इनमें से एक एक बात जो हमने डिफाइन की है ये बराह रास्त टकराती है ज़ायनिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से, ये बराह रास्त टकराती है कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से। हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक इतना आइडियल रोल मॉडल है, इसकी मिसालें पूरी तारीख में हमारे इंप्लीमेंट की जा चुकी हैं कि हमें कतन कोई हाजत नहीं है कि हम मशरक से या मगरब से, ला शर्किया वला गर्बिया, ना हम ईस्ट से ना वेस्ट से, हमें किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है कि हम कोई चीजें बोरो करें या अडॉप्ट करें।
उनमें अगर कोई अच्छी बात है उनके सिस्टम में तो वो उन्होंने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से ड्रॉ की है, मशरिक और मगरिब दोनों तरफ। लिहाजा आज हमने जो एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, हम कुछ पैरामीटर आपको बिल्कुल वाजे कर दें कि इस मामले को हम तेज नहीं चलाएंगे। जैसे हमने कहा अगले दो तीन प्रोग्राम हमारे इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे, आज हमने सिर्फ फिलोसॉफिकल डायमेंशन डिस्कस की है। हमने कुछ पैरामीटर्स आपको बताए हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इस्लामिक इकोनॉमी के दरमियान कंपैरिजन क्या है। हमने उन हालात और वाकयात का तजिया किया है कि आज हम जिन हालात और वाकयात में हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड वाकयात हैं, अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं। इसकी मिसालें इस सिस्टम को तबाह करने की या इसको तोड़ने की या रिस्पांस डेवलप करने की मिसालें हमको तारीख में नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह सिस्टम खुद पहली दफा कायम हुआ और इसके लिए रिस्पांस हमको खुद आजकल के हालात, आजकल की सलाहियतों और आजकल की जो मुसलमानों की सलाहियत और कैपेसिटी है इसके मुताबिक हमने रिस्पांस डेवलप करने। इस एनवायरमेंट को समझते हुए इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम आपको कुफर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाएंगे, यानी हम वो एलिमेंट्स आपको बताएंगे जिस पर कुफर की बुनियाद है। और अगर आप नोट करें कि हमने प्रोग्राम किए हैं उनमें जो हमने डायग्नोसिस किया है उसी डायग्नोसिस में इसका हल मौजूद है। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो पेपर करेंसी जारी करना चाहते हैं तो हम गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की बात करेंगे, अगर वो बैंक की बात करते हैं तो हम बैतुल माल की बात करेंगे, अगर वो दौलत को चंद हाथों में जमा करने की बात करते हैं तो हम दौलत की मसावारा तकसीम की बात करेंगे, अगर वो इसकी बात करते हैं कि हर चीज प्राइवेटाइज कर ली जाए तो हम हर चीज को स्टेट रिसोर्सेज स्टेट प्रॉपर्टी में लेकर जाएंगे। हर उस एलिमेंट को जिसको मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहता है हमने उसका रिस्पांस डेवलप करना है, जो कि फॉर्म होगा एक इस्लामिक सोसाइटी में, जो कि फॉर्म जब हो जाएगा तो एक फिर हम कह सकेंगे कि हमने एक जस्ट इक्विटेबल इंसाफ के मुताबिक मबनी कुरान सुन्नत के मुताबिक एक इस्लामिक सोशल ऑर्डर क्रिएट किया। याद रखिएगा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आइसोलेशन में नहीं कायम होगा, वो एक इस्लामिक सोशल ऑर्डर के अंदर एक हिस्सा है उसका, जिसमें सोशल जस्टिस भी है, जिसमें अदल भी है, जिसमें इंसाफ भी है, जिसमें अदालतें भी काम करेंगी, जिसके अंदर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी शामिल होगी। क्योंकि जब आप इस निजाम को कायम करने की कोशिश करेंगे आप पर जंगें मुसलत होंगी, आप पर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी होंगी, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी होंगी, आप में इंसर्जेंसी और बगावतें भी बर्पा की जाएंगी, आप में तख्ते भी उल्टे जाएंगे। जैसे हमने अर्ज किया कि इनकी जहनियत फिरौन की है, ये जब ये थ्रेट देखेंगे, क्योंकि किसी जगह एक इस्लामिक रोल मॉडल कायम कर दिया गया, याद रखिए फिर पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, और जिस लम्हे ये और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये इनके पूरे निजाम को खतरा है। और उसी फिरौन की तरह जिस फिरौन को ये नजर आ गया था कि एक बच्चा मेरे निजाम को तबाह करेगा तो उसने लाखों कत्ल करवाए थे, ये अपने इस निजाम को कायम रखने के लिए बेब्रेक जंगे बर्पा करवाते हैं। हम इनकी तारीख देख चुके हैं और ये आइंदा भी करवाएंगे। तो इन सारे खतरात के होते हुए हमने रिस्पॉन्सेज डेवलप करने और हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, वी हैव नो चॉइस। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग की भी बात करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा जिसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। देखिए आजकल हर तरफ ये बहुत तकलीफ दे अमर है, ये हमें बहुत तकलीफ देती है ये बात कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर जो कुछ हो रहा है, आप हम बिल्कुल वादे कर चुके हैं ये बात है किस तरह ये ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम चलता है, किस तरह पेपर करेंसी बेस्ड है ये, किस तरह फ्रैक्शनल रिजर्व पर ये काम करता है, किस तरह इसकी पेपर करेंसी को डिवैल्यू करना इस कुफर के निजाम का एक तरीका है, मुसलमान रियासतों को मुसलमान इकोनॉमी को तबाह करना, लोगों को तबाह बर्बाद करना। इस सारे कुफर के निजाम में